हेलो माय डियर किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप फ्रॉम यू यू आर वेरी वेरी वेल, हैप्पी एंड सेफ एट योर होम्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी एनी टाइम विदाउट एनी हेजिटेशन। यू वर वेटिंग फॉर माय ऑनलाइन क्लास, आई नो इट इज़ वेरी वेल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड डोंट वेस्ट टाइम। कम on the page number 41, okay, from chapter number 6। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक गेपेटो नाम के जो वुड कार्वर है, उन्होंने एक डिज़ाइन किया है। क्या डिज़ाइन किया है? पपेट डिज़ाइन किया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है पिनेकियो। क्या रखा? पिनेकियो। अभी पिनाकियो का मुंह ही बन पाया था और उसका पूरा काम फिनिश नहीं हुआ था कि तभी जो वुड कार्वर थे वो बहुत ही सरप्राइज्ड हो गए, क्योंकि वो जो पपेट था वो उछल कूद रहा था। ठीक है, तो ये देखकर बड़े चौंकना होगा। उन्होंने बोला स्टॉप स्टॉप स्टॉप, तो उसने उसने बोला कि मैं नहीं रुकूंगा, मुझे उछलना कूदना अच्छा लगता है। तो उसने सोचा, जो गेपेटो थे उन्होंने सोचा, अरे तो बात भी कर सकता है, तो बात कर सकता है, ये भी एक बहुत सरप्राइजिंग बात थी। फिर क्या हुआ कि उसने बोला, मैं बात ही नहीं, मैं तो डांस भी कर सकता हूँ। तो वो डांस करके दिखाने लगा। तो उसने बोला, अच्छा ठीक है, अभी ये टाइम आपके सोने का है, आप सो जाइए, कल आपको स्कूल भेजा जाएगा। वो स्कूल के लिए निकला ही था नेक्स्ट मॉर्निंग, तभी उसको रास्ते में वो रुका और रुक करके पपेट शो देखने लगा, जहाँ पर लोग उसको बहुत शेयर करने लगे। यह देखकर पपेट मास्टर भी उसको रुकने दिया, उसने भी उसको वहाँ पर उस शो में रुकने दिया। और जब ये शो ख़त्म हो गया, तो आफ्टरऑल उसने उसको 5 शाइनी कॉइन्स दिए, जिससे पपेट सोच रहा था कि मैं अपने के पैटो को, यानी कि फुट कॉर्वर को, क्या दूंगा? प्रेजेंट दूंगा, गिफ्ट दूंगा इन्हीं कॉइन्स से। उसने वो कॉइन्स अपने झोले में या बैग में रखे और चल दिया। ऑन हिज वे ही मेट अ फॉक्स एंड अ कैट, दे वांटेड टू टेक अवे हिज कॉइन्स। दे थॉट ऑफ एन आइडिया, व्हाई डोंट यू बरी योर कॉइन्स इन द मड, इन अ फ्यू आवर्स दे विल टर्न इन टू गोल्ड, सेड द फॉक्स। क्या हुआ कि रास्ते में ही उसको एक कैट और एक फॉक्स मिल गई। किसको? उस पपेट को, जिसका नाम था पिनेकियो। पिनेकियो को क्या मिल गया? एक बिल्ली और लोमड़ी। अब वो दोनों मिलकर के ये सोच रहे थे कि इससे इसके कॉइन्स कैसे ली जाए। उन लोगों ने एक दिमाग में आइडिया लिया कि क्यों नहीं इसकी कॉइन्स को बोल देते हैं कि मड में रखो इसको, मतलब मड में हाइड करके रखो, अंडरग्राउंड करके, बरी मीन्स अंडरग्राउंड हाइडिंग, अंदर रख दिया। उसके बाद कुछ घंटे बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे गोल्ड में, दे विल टर्न इनटू गोल्ड, ऐसा फॉक्स ने कहा। ठीक है, एट वंस पिनेकियो डग अ होल इनटू द ग्राउंड एंड पुट हिज सैक इनटू इट। फिर ऐसा ही हुआ कि उसने एक होल किया और उसमें अपनी कॉइन्स उसने रख दी, कॉइन्स का बैग रख दिया। ही मार्क द स्पॉट एंड वेटेड फॉर द कॉइन्स टू टर्न टू गोल्ड। और उसने उस जगह को मार्क कर दिया जहाँ पर भी उसने होल करके अपनी कॉइन्स को, अपनी भाषा में बोले तो गाढ़ा था, अंदर कर दिया था, अंडरग्राउंड में उसको हाइड कर दिया था। तो वहाँ उसने एक स्पॉट मार्क कर लिया और अब वेट करने लगा कि कब वो सोने में बदल जाएंगे कॉइन्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक ही आज हम पढ़ेंगे, और आज का होमवर्क आपका यही रहेगा कि ये जो दो पैरा है, ऑन हिज वे से लेकर टर्न टू गोल्ड, इनमें से कोई 5 आप हार्ड वर्ड्स फाइंड आउट करेंगे और उन्हें अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और मेरे को भेज देंगे। और बच्चों एक बात और, आपको कमेंट सेक्शन में जाके अपना नाम ज़रूर लिखना है अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है। गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बी हेल्दी, बी सेफ, बी पंचुअल फॉर द ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। थैंक यू।